हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत पाइल्स यानी बवासीर का ऑपरेशन अब नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि अब बिना ऑपरेशन का उपचार संभव हो गया है। आप जैसा कि मालूम है कि कोई भी बात हम चैनल पर तभी लाते हैं जब कोई जटिल बीमारी उसका ठीक हो गया है। जब जटिलतम बीमारी, जब ऑपरेशन की स्थिति पैदा हो जाए और उस समय हम भी देख रहे हो और एक दूसरा डॉक्टर से भी दिखाया जा रहा हो, जैसे मरीज हमसे संपर्क किया तो अपना हमने डायग्नोसिस किया और मरीज का ज़्यादा दिक्कत था मरीज को, तब हमने कहा कि एक बड़े अस्पताल, आप एलोपैथिक जहां अंग्रेजी दवा का उपचार चलता है वहां भी दिखा लीजिए। तो वहां पर भी गए तो उनको ऑपरेशन कराने की सलाह दी गई और बताया गया कि अंदर में बहुत बड़ा घाव है, बिना ऑपरेशन का ठीक नहीं होगा। तो हमने दवा अपना होम्योपैथिक इलाज उनको हमने दवा दे दिया और वो चले गए और कुछ दिन के बाद वो फिर आए नहीं। हमको लगा कि शायद वो ऑपरेशन करा लिए, वो ठीक नहीं हुए, लेकिन उनके भाई ही आते थे इलाज कराने के लिए जो आर्मी में है, तो उन अपने बीमारी के लिए आए। तो हम उनके भाई के बारे में हमने पूछा तो मुझे सर तो ठीक हो गए और ठीक होकर के सऊदी अरब चले गए। आज उन्हें किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है और पाइल्स बवासीर से बहुत ज़्यादा परेशान थे। पाइल्स बवासीर इसमें खूनी और बादी दो तरह का होता है। खूनी में खून बहुत ज़्यादा निकलेगा, पैखाने के रास्ते इतना ज़्यादा खून निकलेगा कि आप पीले हो जाएंगे खून के कमी के कारण। तो बार बार खून निकलना ये शरीर के लिए आपको नुकसानदायक होगा और ज़्यादा खून निकलने से एनीमिया की बीमारी होने से आपकी जान भी जा सकती है। बहुत ज़्यादा कमज़ोर आप पड़ जाएंगे और खून बार बार निकलेगा तो आप हमेशा बुढ़े की तरह हो जाएंगे और झुके हुए मालूम चलते हैं। तो हमने बवासीर के रोगी को देखा है, थोड़ा सा भी कुछ खा ले इधर उधर का खाना तो खून आना शुरू हो जाता है। और कई लोग को बादी रहता है, उनको दर्द बहुत ज़्यादा करता है और कब्जियत इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। तो कब्जियत दूर करने के लिए कई लोग तो रात दिन रोटी चावल मीट भात मछली भात खाते रहेंगे। फल तो वो लेते ही नहीं है कभी। फल का आदर डालिए, फल फ्रूट्स लेने से उसमें तेल मसाले नहीं होते हैं और इस तरह से आपके शरीर को जो सेल है टिश्यू है उसको कभी भी डैमेज नहीं करता है। और फल जो होता है विटामिन सी के कारण आपको जो चमड़ा होता है आंत का उस पर एक अच्छा उसका जो पाचन शक्ति है स्ट्रांग बनता है। और फल फ्रूट लेने से पैखानों को आगे ढकेलने में आंत को बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। चोकर वाला आटा आप खाएं, मोटा अनाज लें, ज़्यादातर दारू मदिरा का फेर में नहीं रहे, शराब का सेवन इसमें नुकसानदायक होता है। और मीट मछली अंडा आवश्यकता से ज़्यादा न ले, बार बार न ले, रोज न ले। शाकाहारी बनने का फल फ्रूट खाने का आदत डालिए। फल फ्रूट अच्छा नहीं लगता है तो ड्राई फ्रूट कम से कम डालने की आदत डालिए। और तेल मसाला से बाजारू सामान से आपको बचनी चाहिए। अब कैसा भी आपका पाइल्स बवासीर हो, अब लगता है कि ठीक हो जानी चाहिए। यदि आपको पाइल्स बवासीर है उससे आप परेशान हैं तो आपको जरूर इसके बारे में राय लेनी चाहिए। विकास सिंह का हाल ही में उनका ट्रीटमेंट हमने किया था और पूरी तरह से ठीक होकर के विदेश में चले गए हैं। तो कई लोग बवासीर को दूर करने के लिए उसमें सुई लगाते हैं, ऑपरेशन कराते हैं और बहुत ज़्यादा कष्टकारी भी होता है। और कई लोग का तो पता नहीं कितने टाइप का इलाज लोग करता है। कोई तो बोलता है अपना कष्ट तो क्या बताए, बैठा तक नहीं जाता है। बवासीर के रोगियों से भयानक दर्द और मवाद बहुत ज़्यादा हो जाना,
तो इस टाइप का उपचार होम्योपैथी कर सकता है। बिना ऑपरेशन का कोई बीमारी ठीक करने की क्षमता रखता है तो है होम्योपैथिक। होम्योपैथिक से कई बीमारियां असाध्य बीमारियां ठीक होती है, इसलिए इसको मान्यता दी गई है। और जैसे एलोपैथिक दवा देने के लिए MBBS डॉक्टर का पढ़ाई होता है, उसी तरह से होम्योपैथिक दवा देने के लिए भी इसका भी काउंसिल है, इसका भी पढ़ाई होता है, इसके भी बड़े बड़े कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूट हैं, और देश विदेश सभी जगह इस होम्योपैथिक दवा का मांग बढ़ते चला गया है। तो कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ बताते हैं ताकि भ्रम का स्थिति न हो। विकास सिंह का ये पल्स ठीक हुआ है तो बहुत खुशी की बात है। और इसके पहले भी एक मरीज जो बैठा नहीं जाते थे, गाड़ी से जो लाद के आए थे और इतना बड़ा उनका घाव था पैखाने के रास्ते में, हमने जब दवा दिया तो आधे घंटे के अंदर में वो घाव फट गया और काफी खून मवाद निकला, उसके बाद धीरे धीरे ठीक हो गए। तो कहीं भी आपको सर्जरी में जाने के लंबे महंगे खर्च के इलाज के फेरे में आपको नहीं पड़नी है। और ऑपरेशन कराने के बाद भी दोबारा आ ही जाता है, एक दो चांस देखने में क्या दिक्कत है, आपको 2 से 3 बीट में ही फायदा नजर आने लगेगा। आपको किसी भी तरह का पाइल संबंधी, बवासीर संबंधी, फिस्टूला, भगंदर संबंधी, बवासीर से आगे का बीमारी है भगंदर, उसमें मवाद कुछ भी आए तो बिना ऑपरेशन का ठीक होगा। इसके लिए आप नंबर को हमारा नोट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं 9801757533, यानी 980-1757-533 पर आप राय ले सकते हैं। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।